बरकात हो, ईद उल अज़हा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और आज है डे सेकेंड। वैसे मैंने कोई ईद का कोई स्पेशल व्लॉग नहीं बनाया। हम जा रहे थे विशाल मेगा मार्ट थोड़े घर की ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा क्योंकि आपको पता ही है हम सब बहुत चीज़ें बायकॉट कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने एक वीडियो पहले भी डाली है, व्लॉग नहीं डाला लेकिन वीडियो डाली थी, जिसमें हम जो भी इजरायली प्रोडक्ट है उसका पता लगा सकते हैं नाम लिखकर। आज जो नो थैंक्स एप्लीकेशन है हम उसका यूज़ करेंगे और मैंने जो है वो ओपन कर लिया है और अब बस वहाँ जाना है। वहाँ पर जाकर जब भी हम कुछ चीज़ खरीदेंगे तो ये आपको शो हो रहा है स्कैन का ऑप्शन, वहाँ पर जाकर अच्छे से पता चलेगा। तो हम स्कैन करेंगे और फिर चीज़ें खरीदेंगे। वैसे तो अब काफ़ी टाइम हो गया है बायकॉट का, तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे पता चल गए हैं जिनका हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते और हमें पता चल गया कि ये प्रोडक्ट हमें नहीं यूज़ करना। बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हम कन्फ्यूज होते हैं कि ये है या नहीं है, तो बस हम इसको स्कैन करेंगे और पता कर लेंगे। ठीक है, तो आज का व्लॉग करते हैं ऐसे स्टार्ट। होपफुल कि ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाला है। तो घर से ही मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करके सारा एक्सेस करके सब कुछ सेट कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे नेट का कुछ कंफर्म नहीं था ना कि वहाँ पर डाउनलोड हो पाए नहीं हो पाए। तो यहाँ पे आप अपनी कंट्री की लैंग्वेज चूज़ कर लें और उसके बाद फिर जो ये सारी फॉर्मेलिटी कर लें और अपनी एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर लें। एक मज़े की बात बताती हूँ आप लोगों को, 7:14 हो गए और हम 5:30 से कोई लिस्ट बना रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है और अब फाइनली जब घर से निकलना है तो घर पे अब्बा नहीं है क्योंकि घर अकेला छोड़ के नहीं जा सकते हैं। वो फ़ोन भी अपना घर पे भूल गए हैं, कोई झोला किसी को नहीं मिल रहा है और किसी ने अभी तक अब आया नहीं था, मतलब ये सारी चीज़ें। चलिए शुक्र झोला मिल गया, अब हमारा भी थोड़ा सा ब्लॉग कर लीजिए। तो आप लोगों के सिटी में गर्मी का क्या हाल है? आपको पता है इलाहाबाद टॉप 10 की लिस्ट से बाहर नहीं निकलता, इतने ज़्यादा गर्म है यहाँ पे। मतलब अगर यहाँ पे 46°C या 48 है तो फील्स 50-52 रहे। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपना वॉइस ओवर, क्योंकि हम घर के बाहर से रिक्शा ले रहे थे और लोकेशन मैं रिवील नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने कैमरा ऐसे किया हुआ था। अच्छा, रिक्शा ढूंढना भी ना बस एक क्या ही बताएं, एक स्ट्रगल है बहुत बड़ा, जो कि मैं पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ। क्योंकि जब हमें कहीं जाना होता है तो रिक्शा मिलता नहीं है, 3-4 रिक्शे के बाद हमें रिक्शा मिल गया और हम जो है वो आगे बैठ गए। मैं थी, मम्मा और वाइजअप भी मेरे साथ थी और हम लोग निकल गए अपने विशाल मेगा मार्ट की तरफ। और आपको पता है कि नैनी और इलाहाबाद में इतने ज़्यादा, मतलब समझते ना पूरी खुदाई, देखिए मैंने JCB भी आप लोगों को दिखा दिया, तो इतनी ज़्यादा खुदाइयाँ चल रही हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र था कि जो हमारे घर के पास जल्दी ही काम होके ख़त्म हो गया। तो फाइनली हम पहुंच गए विशाल मेगा मार्ट और लाइटिंग तो एकदम बढ़िया आ रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पर आके आपको अपना बैग जमा करना होता है, फिर वो हमें देते हैं एक टोकन, कभी कभी टोकन देते हैं, कभी कभी ऐसे पेपर पे लिखा हुआ दे देते हैं। ठीक है, तो वो टोकन मिलता है हमारे जिस भी बॉक्स में हमारा बैग रखा होता है उसके लिए। उसके बाद हम आगे अंदर, और ये बच्चा दिख गया मुझे, और यहाँ पर मतलब कुर्ती की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है, आप देख सकते हैं। मम्मा को ये ग्रीन वाला बहुत पसंद आता है कि ले लो, मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि ले लो, मैंने कहा नहीं हम कपड़े लेने नहीं आए, हम जो लिस्ट बना कर आए हैं हम बस वही लेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं लेंगे। क्योंकि जब हम यहाँ पर आते हैं तो पता नहीं क्यों हमारी लिस्ट बस ऐसे गायब ही हो जाती है और हम बहुत कुछ लेने लगते हैं, लेकिन हम एकदम हार्ड टाइट करके आए थे कि नहीं हमें सिर्फ जो हम लेने आए हैं हमें वहीं लेना है। ठीक है, और ये था मेरा आउटफिट। उसके बाद हम ज़बरदस्ती हम चले गए मतलब टॉयज़ उसमें सेक्शन में, और फिर आप देख सकते हैं कि आगे क्या होगा।
सॉफ्ट टॉयज वाले जो बैग्स थे ना, वैसे मैंने एक ईद में भी ये वाला सेम टू सेम लिया है, तो ये इसमें ना 299 प्राइस था, लेकिन मैंने जो चौक से लिया था वो 250 का मिला था। वादा भी मुझे बोल रही थी 250 भी बहुत महंगा है, बट मैंने हर जगह चेक किया उसका प्राइस यही था। और पता है इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, ये मेरे पास पहले से है, मेरे पास भी है और मेरी छोटी बहन है रोज़ी, उसके पास ये वाइट वाला सेम है। और मुझे दो मतलब हम दोनों ने एक दूसरे को सेंड किया था, और ये हम दोनों को सेम टू सेम, मतलब मुझे ना सेम टू सेम दिख गया, तो मैंने इसकी पिक्चर भी ली थी। ये बहुत क्यूट लगते हैं इसलिए मैंने लिया है, पर खैर आज तो मुझे कुछ भी नहीं मिला था यहाँ से। आप मेरा मूड देख ही सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर ना ये वाली कैप का स्टॉक आया हुआ था, आज मैंने चेक किया, इससे पहले कैप्स नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्राई करूँ, बट वहाँ कहीं मिरर नहीं था, तो फिर मैंने देखकर ट्राई भी नहीं किया, तो कुछ भी उल्टा सीधा मैंने वैसे ही लगा लिया। बट मुझे ऐसे दिमाग से ख्याल आया कि मैं ज़रूर इसे बाई करूँगी और एक हिजाब ट्यूटोरियल भी बनाऊँगी, मतलब हिजाब प्लस निकाब ट्यूटोरियल ये कैप मतलब कैरी करके। और यहाँ पर न्यू जो है ना वो शूज़ का स्टॉक आया हुआ था बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले शूज़ का स्टॉक देखा नहीं है, मेल का देखा था, फीमेल का नहीं देखा था, दो तीन महीना पहले आई थिंक स्टॉक आया होगा, तो वो चेक किया। फिर हम पहुंच गए क्योंकि जो कि हमें लेना था खाने पीने का सामान घर का, तो सबसे पहले अपने थर्ड फ्लोर पर ये टॉवल और जो भी मतलब पर्दे वगैरह जो होते हैं पहले उसके स्टॉक होते हैं, फिर खाने पीने के होते हैं। तो इन्होंने ना फर्स्ट क्रॉप करके अपनी भी एक समझ लें एक तरीके से कंपनी जो है ना वो लॉन्च की है विशाल मेगा मार्ट में, मैगी की जो है ना वो रेप्लिका होती है। अब मैगी तो हमने बायकॉट की हुई है तो हम रेप्लिका खरीद सकते हैं, फ़िलहाल हमने रेप्लिका भी नहीं खरीदी थी और हम आगे बढ़ गए थे क्योंकि मम्मी ने कहा पहले हम सामान ले लेते हैं उसके बाद, तो इसलिए मैंने वहाँ पर एप्लीकेशन यूज़ भी नहीं किया। तो यहाँ पर हमेशा हमें जो है ना ये बास्केट मिलती नहीं है कुछ भी, और हमें ऐसी बाल्टी वगैरह मिल जाती है जिसमें हमें सामान रखना पड़ता है या खुद ही कैरी करना पड़ता है, तो आज हमें मिल गई और वो भी अच्छा थी कि ट्रॉली वाली मिल गई, तो हम गए। वाइज अपनी ने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं, इसको जो है तुम वो कर देखो, तो मैंने सोचा चलो करते हैं। जब मैंने किया तो वो हो ही नहीं रहा था, मैंने कहा यार क्या हो गया है। तो उसके बाद फिर जब मैंने ये पढ़ा, अच्छा तो मैं घर से वाईफाई ऑन करके आई थी और वही ऑन था, मैंने नेट ऑन ही नहीं किया हुआ था मैं भी ना बेवकूफ़ ही हूँ। उसके बाद नेट ऑन किया, नेट ऑन करने के बाद नोटिफिकेशन ही आने लगी, फिर यहाँ पर बहुत लेट हो गया था, वैपी ने कहा अब तो रहने ही दो। तो उसके बाद जब हमने देखा तो ये था कि इस प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही ये बायकॉट लिस्ट में मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो इनका अपना है, इतना कोई फेमस नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि लिस्ट में नहीं था। मैगी का हमने करके देखा तो देखे मैगी का साफ साफ आ गया था कि ये प्रोडक्ट जो है बायकॉट लिस्ट में, तो आप इसको मत खरीदें। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी आप लोगों को। फिर आ गए हम अपने अचार सेक्शन में, हम खरीदेंगे इस बार मिक्स, क्योंकि पिछली बार हमने आम का अचार ट्राई किया था और मिक्स ट्राई किया था, तो मिक्स हमारे घर जल्दी ख़त्म हो गया था और आम का अचार अभी भी रखा होगा क्योंकि वो उतना कुछ खास नहीं लगा। आप लोग कमेंट करें गर्मी में दाल चावल के साथ आप लोग को कौन सा अचार खाना पसंद है, हमें तो मिक्स वाला अचार खाना पसंद है। तो फर्स्ट क्रॉप का ही सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, सबसे बेस्ट ये है कि इंडिया का ही है, और सेकेंड ये कि जब हम बायकॉट कर रहे हैं तो ये सारी कंपनी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हेड एंड शोल्डर फिर हमने ट्राई किया तो इसमें एप्लीकेशन में दिखा रहा है कि ये जो है वो बायकॉट लिस्ट में है तो आप इसको बायकॉट करें, हमने इसको बिल्कुल वैसे ही उसको रख दिया जैसे उठाया था ये जो है मम्मा यूज़ करती हैं घर में कपड़े जब धोते हैं ना उसमें बाद में एक अच्छे बहुत खूबसूरत फ्रेगरेंस के लिए, मतलब इतनी प्यारी फ्रेगरेंस होती है इसकी कि क्या बताऊं। तो जब मैंने इसको चेक किया, इसको चेक करने के बाद ये भी लिस्ट में नहीं था, तो मम्मा ने कहा ठीक है चलो फिर ले लेते हैं, पर मम्मा ने कहा इस बार दूसरा वाला ट्राई करते हैं, मैंने कहा ठीक है, वो भी खैर मैंने चेक कर लिया था। तो हमने इसको चेक किया और मैं ही शूट कर रही थी, मैं ही कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था उसके लिए सॉरी, तो ये आ गया था कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और ये लिस्ट में नहीं है, तो मम्मा ने फटाफट ले लिया। बाकी ये सारी जो चीज़ें थी वो तो वही थी, आपको पता होगा कि जो विम जेल है एंड शायद प्रिल भी जो है वो बायकॉट लिस्ट में है, तो इनका अपना जो भी लोकल ब्रांड हमारा है इंडिया का, तो हम वही यूज़ कर रहे थे। अब मैं ही शूट कर रही थी, मैं ही सब कर रही थी, तो मेरा तो क्या ही हो, तो मैंने बस सामने फ़ोन रख दिया, पीछे की जो भी चीज़ है ना टाइड एरियल ये सब बायकॉट लिस्ट वाली है तो मैंने यहाँ पर इसको ट्राई किया, ये डिश वॉशर जेल है तो ये सेफ था, तो हमने बस फटाफट इसको ले लिया। फिर बात अपी ने कहा कि ये वाला सोप भी ट्राई कर लो, तो मैंने कहा कितना ट्राई करेंगे सोप तो हमारे लिस्ट में भी नहीं है कि हमको लेना है कि नहीं लेना है, तो खैर बहुत प्रोसेस ले रहा था मेरा फ़ोन क्योंकि नेट के वजह से शायद,
और जिस भी वजह से, तो बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा चलो जाने देते हैं, अब चाहे वो लिस्ट में हो चाहे ना हो। मेरे ख्याल से वो लिस्ट इन्फॉर्मेशन में ही नहीं था, सिंथॉल सोप था, वो इन्फॉर्मेशन में नहीं था। अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। देखें, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी एप्लीकेशन में। उसके बाद फिर वाइजप्पी ने कहा कि एक लाइन से सारे बायकॉट प्रोडक्ट रखे हैं, उसकी पिक्चर ले लो। मैंने कहा अच्छा। वाइजप्पी ने कहा इसको ट्राई करो। लक्स रखा था वहाँ पर और भी प्रोडक्ट्स रखे हुए थे, तो ये सब बॉडी वॉश था। जब मैंने चेक किया तो सब बायकॉट लिस्ट के थे। मैंने कहा सब बायकॉट लिस्ट के, कुछ के तो मुझे नाम भी पता है सबके सब, सारे के सारे ब्रांड्स के। फिर हमें टूथपेस्ट लेना था, जब हमने ट्राई किया तो कोलगेट तो आपको पता है, हिमालय का हमने ट्राई किया। तो जब हिमालय का ट्राई किया, एक तो ये नेट नहीं चल रहा था, तो इतना लेट इसके वजह से ही हो रहा था। तो जब हमने हिमालय का ट्राई किया, हिमालय का है कि नहीं ये सही है, तो हमने कहा बस अब हिमालय ही, बस अब तो हिमालय ही आएगा घर पर। तो हमने बस उसे फटाफट रख, साल के 6-8 महीना तो यहाँ की लिफ्ट ही ख़राब रहती है। तो फिर मम्मी और वाइजप्पी को जो है वो उठाकर नीचे सीढ़ियों के ले जाना पड़ा, और फिर मुझे एक बच्चा दिख गया। फिर हम आए और ये जो है वो लोकल ब्रांड की थी, कैच की, जो कि बायकॉट लिस्ट में नहीं था, उसकी कोल्ड ड्रिंक थी। क्योंकि 70-75 समझ लें 85% तो सारी की सारी जो है वो बायकॉट लिस्ट में कोल्ड ड्रिंक। तो हमने फिर ये लिया, और लिस्ट जो है ना वो बहुत ही, मतलब आज हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिली अपने काउंटर पर। हम गए और थर्ड में ही जो है वो हमारी बिलिंग का टाइम आ गया। फिर मैंने लिया ये, मैंने आपको बताया था ना कि एक वो मिलता है हमें, अरे वॉइस ओवर करते करते मैं भूल गई क्या मिलता है, टोकन, हाँ एक टोकन मिलता है। तो मैं जा रही थी, तो हमने बैग ले लिया है और हम जा रहे हैं वापस। बैग में से निकालेंगे झोला और उसमें रखेंगे हम सामान और फिर जाएंगे घर। बहुत थक गई हूँ। फिर देख लें, वाइजप्पी ने कहा कि मैं बिलिंग करा के बहुत थक गई हूँ। फिर मैंने और मम्मी ने एक एक साइड से झोला उठाया और हम घर की तरफ निकल गए। घर की तरफ नहीं, अभी बाहर जाना था, फिर वहाँ से रिक्शा लेना था और देन फिर घर जाना था। तो फाइनली हमारी सारी शॉपिंग हो गई, अब हम रिक्शा करेंगे और सीधा जाएंगे घर। नहीं, क्योंकि तो रात ज्यादा होगी, तो आज का और हवा बहुत ज्यादा अच्छी थी, यहाँ पे हवा कितनी अच्छी चल रही है। तो हमें रिक्शा मिल गया और हम घर की ओर निकल गए। तो अब आप लोगों से वो क्या कहते हैं,